अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज का हमारा मज़मून है उर्दू जमात दोयम सबक तारे। आपका सबक का नेम क्या है? तारे। और वो क्या है? एक नज़्म है। तारे क्या है? एक नज़्म। और इस नज़्म के बारे में मैं आपको बता चुकी हूँ कि इस नज़्म में हम क्या क्या रीड करेंगे। जी, तारे कैसे नज़र आते हैं, तारे हम कब देखते हैं, क्या हम तारों को गिन सकते हैं, ठीक है। तो ये इस तरह के क्वेश्चन है। क्या तारे आपके पास आते हैं? अगर आप तारों को बुलाएं तो क्या तारे आपके पास आ जाते हैं? तो ये इस नज़म में हम पढ़ेंगे और उसकी फर्स्ट हाफ रीडिंग हम कर चुके हैं, तो नेक्स्ट हाफ रीडिंग करेंगे आज। चार नहीं है, आठ नहीं है, बीस नहीं है, साठ नहीं है। यानी कि वो कह रहे हैं, शायर कह रहा है कि चार नहीं है, आठ भी नहीं है, बीस भी नहीं है और साठ भी नहीं है। लाखों है ये दोस्त हमारे, लाखों यानी कि जिन्हें हम काउंट नहीं कर सकते। लाखों मतलब बहुत ज़्यादा, हमने लाखों का मायने पढ़ा था ना, बहुत ज़्यादा जिन्हें हम काउंट नहीं कर सकते। लाखों है ये दोस्त हमारे, रात आई और जागे तारे, रात आई और जागे तारे। लाख पुकारो, लाख बुलाओ, लाख कहो तुम आओ आओ, कभी ना आए पास तुम्हारे, रात आई और जागे तारे। ये इसकी नेक्स्ट हाफ रीडिंग थी, अंडरस्टैंड। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको कंप्लीट रीडिंग करवाऊंगी ताकि आपको ये जो नज़्म है ये अच्छी तरह से याद हो जाए। दोबारा से रीडिंग देख लेते हैं। चार नहीं है, आठ नहीं है, बीस नहीं है, साठ नहीं है, लाखों है ये दोस्त हमारे, रात आई और जागे तारे। लाख पुकारो, लाख बुलाओ, लाख कहो तुम आओ आओ, कभी ना आए पास तुम्हारे, रात आई और जागे तारे। अब नेक्स्ट ये जो हाफ रीडिंग है, लास्ट हाफ रीडिंग, इसके डिफ़िकल्ट वर्ड्स देख लेते हैं कौन कौन से हैं। अल्फमदार, ते दो चश्मी आठ, बे ये सिंह बीस, सीनेली साठ, टे दो चश्मी है साठ, लाम अलिफ ला काव दो चश्मी है वाव नून गुन्ना लाखों, दालवाव दो सीन ते दोस्त, लाम अलिफ ला काव दो चश्मी है लाख, पे काफ अलिफ का रेवा रो पुकारो, काफ बे दो चश्मी है छोटी एक कभी, बे लाम अलिफ ला हमजवाओ बुलाओ, ते मीम हे लिफा तुम्हारे बढ़िए रे तुम्हारे। आपने इन डिफ़िकल्ट वर्ड्स को जिन्हें मैंने अंडरलाइन किया है और आपको जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स लगते हैं जब आप रीडिंग करते हैं, आपको जो भी वर्ड डिफ़िकल्ट लगता है आप उसके नीचे अंडरलाइन करें और बार बार उसकी प्रैक्टिस करें। तो आपने इन डिफ़िकल्ट वर्ड्स की प्रैक्टिस अपने किस में करनी है? लू शीट पे करनी है, अंडरस्टैंड। नाउ नेक्स्ट हम असाइनमेंट पैक की तरफ आते हैं। मंदरजा ज़ैल सवालात के जवाब लिखें और याद करें, यानी कि आपने इनके जवाब लिखने भी हैं और याद भी करने हैं। इनके जवाब लिखने भी हैं और स्टूडेंट्स याद भी करने हैं, अंडरस्टैंड। फर्स्ट क्वेश्चन आपका है, तारों की सूरत कैसी है, तारों की सूरत कैसी है। तो हमने रीडिंग में क्या पढ़ा था, हमें तारे कैसे नज़र आते हैं? गोल मटोल और मोटे मोटे, नन्हे मुन्ने छोटे छोटे, गोल मटोल और मोटे मोटे। तो हम देखते हैं कि हमें तारों की शक्ल कैसी नज़र आती है। तारों की सूरत मुख्तलिफ होती है, मीम खे ते लाम ये फे मुख्तलिफ, तारों की सूरत मुख्तलिफ होती है, कुछ छोटे मोटे और कुछ गोल मटोल होते हैं। तो बार से रीच करते हैं, तारों की सूरत मुख्तलिफ होती है, कुछ छोटे मोटे और कुछ गोल मटोल होते हैं। ये आपके फर्स्ट क्वेश्चन का क्या है, आंसर है। तो आपने इसको अपनी असाइनमेंट पैक पे बहुत नीट राइटिंग में राइट करना है स्टूडेंट्स, और इस क्वेश्चन की आपने क्या करनी है, लर्निंग। जब आपको लर्निंग हो जाए देन आपने इसको लू शीट पे भी राइट करके इसकी क्या करनी है, प्रैक्टिस करनी है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, तारे क्यों थक जाते हैं। हमने क्या पढ़ा था, चलते चलते। तो चलते चलते मीन्स क्या है, यानी कि पूरी रात तारे चमकते हैं, तो क्या तारे थकेंगे नहीं? जी,
जब पूरी रात तारे चमकते हैं तो तारे क्या हो जाते हैं, थक जाते हैं। पूरी रात चमकने की वजह से तारे क्या होते हैं, थक जाते हैं। तारे क्यों थक जाते हैं, तेलिफ तारे बड़िए रे तारे, सीनलि सारे छुटियेरी सारी, तारे सारी रात, रेलिफ रात ए रात, चे मीम काफ नून बड़िए ने चमकने, काफ छुटिए की, वाओ जीम है जा वजा, वाओ जीम है जा वजा, से सीन बड़िए से, ते तो चश्मी है काफ थक, जी मलिव जाते बड़िए ते जाते, हे ये नून गुना है, तारे सारी रात चमकने की वजह से थक जाते हैं। अंडरस्टैंड, फर्स्ट क्वेश्चन दोबारा से देखते हैं हम। तारों की सूरत कैसी है, तारों की सूरत मुख्तलिफ होती है, कुछ छोटे मोटे और कुछ गोल मटोल होते हैं। तारे क्यों थक जाते हैं, तारे सारी रात चमकने की वजह से थक जाते हैं। अंडरस्टैंड, और आपने लू शीट पे तारे बनाने हैं, ठीक है, आपने लू शीट पे तारे बनाने हैं और ये लिखना है कि आपको तारे कैसे लगते हैं। आपको रात के वक्त आसमान पर तारों, जब तारे आते हैं तो वो मंजर आपको कैसा लगता है, आपने लू शीट पे इसको राइट करना है। उम्मीद करती हूँ क्लास के आपको ये लेक्चर अंडरस्टैंड हो गया होगा। आप इसी तरह से ऑनलाइन क्लासेस के थ्रू टच में रहें, इंशाल्लाह आपकी स्टडी इसी तरह अच्छी रहेगी। ओके स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।